सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की 40 दिन की लगातार सुनवाई के एक माह बाद फैसला आएगा। आज अयोध्या केस में फैसला सुरक्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि सुनवाई का आज अंतिम दिन है। आपको लग रहा होगा कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में एक माह का समय क्यों लगा रहा है। दलीलें सुन ली गई हैं, तो अब फैसला भी सुना ही देना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंबी बहस, दलीलों और सबूतों, गवाहों के चर्चे, किताबों के हवाले को समेटना इतना भी आसान काम नहीं है। जो दस्तावेज और दलीलें दी गई हैं, उनकी तस्दीक भी करनी जरूरी होती है। साथ ही अदालत को अपने फैसले को कानूनी तौर पर जस्टिफाई भी करना होता है। जिस मामले में फैसला आना होता है, उससे मिलते जुलते दुनिया भर की अदालतों के नजीर माने जाने वाले फैसलों के संबंधित अंश का हवाला देना भी होता है। यानी कोर्ट ऐसे मामलों में अधिक से अधिक फुल प्रूफ फैसला देने की कोशिश करता है, ताकि न्याय में के बिंदु पर कहीं से कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए। संबंधित कानून की किताबों के पन्नों को भी बार बार पलटना होता है। जजों के पास रिसर्च स्टाफ की पूरी टीम होती है। इन सभी चीजों के अलावा जज खुद भी अपने विवेक के मुताबिक फैसलों को कई तरह के तर्कों से सुसज्जित करते हैं। कई बार फैसलों में किसी ग्रंथ की उक्तियां, कविताएं, शेरो शायरी या फिर श्लोक और ऋचाओं भी होती हैं। अयोध्या मामले में 30,000 पेज के जो मूल दस्तावेज हैं, और उनके अलावा अनुवाद भी हैं। 7 बड़े बड़े संदूक कोर्ट में मूल दस्तावेजों से भरे हैं, जिसमें जजों के नाम भी लिखे हैं। इन सब के अलावा सबकी दलीलें, विभिन्न ग्रंथों के हवाले और साथ ही कई तरह की बातें, तर्क और सबूत या फिर रिपोर्ट्स की तस्दीक करने और उनका सार निकालने में वक्त तो लगना ही है, मेहनत और काबिलियत तो लगती ही है। यही वजह है कि अदालतें मुकदमे की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लेती हैं। इसके बाद अदालत सभी पक्षकारों को ये भी कहती है कि अब जिसे जो कहना हो लिखित बयान के जरिए बता सकते हैं। यानी फैसला सुरक्षित होने के बाद से फैसला लिखे जाने तक मुकदमा इन राहों से गुजरता है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।